नमस्कार, मैं पिंकी सहगल। आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज। राजधानी दिल्ली में महिलाओं से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने महिला सशक्तिकरण को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। क्या है वो फैसला, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दिल्ली उपराज्यपाल के दिशा निर्देश पर 11 जिलों के राजस्व विभाग में सब रजिस्ट्रार के सभी 22 पदों पर अब महिला अफसरों की तैनाती की जाएगी। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन को लेकर ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। किसी भी विभाग में ऐसा पहली बार होगा जब सभी पदों पर महिला अधिकारी द्वारा कमान संभाली जाएंगी। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में पहले से ही दिल्ली के 11 जिलों में से 8 जिलों में महिला जिला अधिकारी की तैनाती है। उपराज्यपाल के एक आधिकारिक बयान में ये कहा गया है कि महिला अधिकारियों के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और लोगों का उत्पीड़न कम होगा। आपको बता दें कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कई सरकारी कामकाज होते हैं, जैसे किसी मकान और जमीन की रजिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम, मैरिज रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी शेयर सर्टिफिकेट के अलावा जाति प्रमाण पत्र जारी करना, इनकम सर्टिफिकेट बनाना शामिल होते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए थे, जिसमें LG ने SR को निलंबित कर दिया था। आपको बताते चले कि दिल्ली के सभी 11 जिलों के राजस्व विभाग में सब रजिस्ट्रार के 22 पद निर्धारित होते हैं। अब तक इन 22 पदों में से केवल 6 पदों पर महिला सब रजिस्ट्रार की तैनाती रही है, लेकिन अब ये सभी पद महिलाओं के हवाले होंगे। उपराज्यपाल के दिशा निर्देश पर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। बहरहाल उपराज्यपाल के दिशा निर्देश पर लिए गए सराहनीय कदम से महिला सशक्तिकरण में एक और तार जुड़ गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको हमारी दी गई ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।